अज्जू भाई बताओ भाई कैसे हो तुम? सच वाले अज्जू भाई हो? डुप्लीकेट अज्जू भाई। भाई ये बंदा अभी मास्क उतार रहे हो और दूसरा इंसान निकलेगा। ये तेरी हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं, तेरी ही बातों में खोना मैं चाहूं। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के 11 बजे और हम रेडी होके कैब में जा रहे हैं आज क्रोल बाग नए घर के लिए शॉपिंग करने, क्योंकि ना नए घर में अभी कोई घड़ी, कोई वॉल पेंटिंग, कोई डेकोरेशन बेस कुछ भी नहीं लगा, तो इसलिए आज हम क्रोल बाग जा रहे हैं शॉपिंग करने। और मलन साहब ने मेरे को बोला कि जल्दी नीचे आ जा, अब मैं आई हूँ तो मेरे को कहीं नहीं दिख रहे। कह रहे हैं कि क्रोल बाग मार्केट में ना जगह नहीं मिलती पार्किंग की, तो इसलिए आज हम कैब में जाएंगे। दिख गए सामने कितने बिजी हैं भाई, फोन पे लगे हुए हैं और मेरा फोन भी नहीं उठा रहे। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं क्रोल बाग मार्केट। आज मलन साहब गाड़ी नहीं लेके आए तो रश नहीं मिला हमें। फिर हम इस वाली शॉप पे आए हैं और यहाँ पे हमें बहुत बहुत वैरायटी मिली है। शॉप पे आए थे हम ये ऐसे वाले प्लांटर्स लेने, लेकिन हमने क्या लिया, ट्रेज, कैंडल स्टैंड्स और पता नहीं डस्टबिन, बहुत सारी शॉपिंग कर ली है हमने। ये होगी हमारी बहुत सारी शॉपिंग, ये सब हमने लिया है। खुश हो? कर ली शॉपिंग हमने, कर ली, चले वापस। हाँ चलो। एक शॉप पे हम गए, वहाँ पे ना हमें एक क्लॉथ पसंद आई, लेकिन मुझे पसंद नहीं आई, मतलब रेट पसंद नहीं आए। मतलब साहब कह रहे मैं बैठा हूँ यहाँ पे, मैं नहीं जा रहा, तुम अपने आप शॉपिंग कर लो। तो अब हम इस शॉप में आए तो हमने बहुत सारी शॉपिंग कर ली, अब ये खुश हो गए। आज हमने इतनी शॉपिंग करी है ना, ये देखो पूरी गाड़ी हमारी, ये बस सिर्फ हमने बैठने की सीट छोड़ी है, बाकी पूरी गाड़ी भरी पड़ी है। और एक गाड़ी हमने पोर्टर करवाई है जो सीधी वहाँ जाएगी गुड़गांव। और अब लगी है हमें बहुत ज़्यादा भूख, तो हमने मैकडी से बर्गर उठा लिए हैं। और मलन साहब कह रहे हैं कि पैसे हो गए सारे ख़त्म, अब चलो घर। जाते जाते भी हमने और शॉपिंग कर ली, गाड़ी में जगह भी नहीं है। आज तो बड़ा दिल खोल के शॉपिंग कर दिया हमने। हमने सोचा जब तक खाना आ रहा है तो थोड़ी सी और देख लेते हैं, तो वहाँ पे भी हमने और सामान ले लिया। और बाई गॉड पूरी गाड़ी भरी पड़ी है। मलन साहब की चाय, मलन साहब को तो मज़े आ गए, चाय मिल गई आपको? अभी तो पहले क्योंकि हम बहुत कम होता है ऐसा इवेंट पे साथ में जाते हैं ना। बात तो ये है कि थोड़ा सा फोमो हो रहा था, सब ब्लॉक कर रहे थे, तो मैंने कहा हम भी ब्लॉक कर लेते हैं, तो थोड़ा सा दिखा दे। दिखा भाई, लेकिन शॉट दे रहा था, कुकर इंसान इन द हाउस, शॉट खराब कर दिया। तेरे को शॉट की पड़ी है? राहुल हमारे साथ आया है शॉट लेने, तूने उसका शॉट खराब कर दिया। सॉरी भाई, सब छोड़, खाने पे ध्यान देते हैं भाई। खाना खाते हैं, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है खाने की, बिल्कुल वेजिटेरियन फूड, मस्त खाने की स्मेल आ रही है। आ जाओ, एक बहुत ही मस्त चीज है जो मेरे सामने है, एंड वो है कि यहाँ पे सैमसंग वालों ने लिखा हुआ है गैलेक्सी वेलकम्स, क्रिएटर्स के नाम आ रहे हैं, तो मैं वेट कर रहा हूँ कि मेरा भी आने वाला है। IJKLMN, देखो M आ गया, अभी भाई N से निश्चय भी आने वाला है। इट्स टाइम, ये बॉय, इट्स अ मी, वुट वुट। अज्जू भाई बताओ भाई कैसे हो तुम? सच वाले अज्जू भाई हो? डुप्लीकेट अज्जू भाई। भाई ये बंदा अभी मास्क उतार रहे हो और दूसरा इंसान निकलेगा अंदर से। फेस रिवील टू कमिंग सून। ये नहीं है अज्जू भाई, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। ये देखो फुकरा इंसान मीटिंग अज्जू भाई। देखो मैंने इनके साथ एक वीडियो बनाई थी, फ्री फायर क्लासेस ट्यूटोरियल, तेरे को अभी भी लग रहा है ये रियल है? एक वीडियो फ्री फायर की, और आज तक एक बार ही फ्री फायर खेला है आप ही हो ना। आपको सही लगना चाहिए। फेस रिवील का पहली बार ऐसा किसी बंदे के साथ हुआ था कि हमारे को लगा था वो शायद वीडियो रिकॉर्डेड थी और आप आगे से आए थे। तू तो बहुत स्मार्ट है। तो यहाँ पे जो S24 फोन जिसका लॉन्च हो रहा है वो डिलीवर हो रहा है भाई, ड्रोन में आया है।
सीधे हम पानी में कूद के ये पूरा जो ट्रॉफी है वो उसको किसी और को दे देंगे। बहुत सारी शॉपिंग करके आगे हम बहुत पैसे खर्च करे, इतनी जेबें भर के लेके गए थे और ये लोग खाली हाथ आए हैं। खाली हाथ, इतनी शॉपिंग करी फिर भी खाली हाथ आए हैं हम। कार में वो ले गए, सुबह एक टेम्पो में जाएगा। सारा सामान हमने वहीं भिजवा दिया क्योंकि यहाँ से भी तो वहीं जाना ही है ना, इसलिए वहीं से वहीं भिजवा दिया। देखो घर में अभी एंटर ही हुए हैं, आते ही हुक्म चाय, आते ही चाय भाई। लेट है आओ। जा रहे हैं हम डायग्नोस्टिक सेंटर, पता क्यों? ये देखो, ये सैमसंग के इवेंट पे गया था और वहाँ पे पैर ट्विस्ट हो गया, और भाई साहब पैर ट्विस्ट हुए में ही पूरा इवेंट निकाल के आ गए और पैर इतना स्वेल करा पड़ा है। ये महान, पूरा पैर स्वेल करा पड़ा है तेरा, तीसरी बार लग गई सेम पैर पे। पिछली बार जब बोला था कि करा ले भाई इसका ट्रीटमेंट करवा ले, नहीं करा, मैंने कहा हो जाएगा ठीक, हो ही गया था ठीक। अरे छोड़ो, अभी तो बांध रखा है पूरा, फुल एकदम टाइटली बांधा हुआ है, तो भी स्वेल तो कर ही रहा है ना। चल ले अब कराते हैं, अब करा ही लेते हैं, करा ही लेते हैं। अब मुझे लग रहा है कि सच में टूट गया है। पता मेरे लाइक 5 के बजे रहे थे जब मैं ऐसा बाहर निकल ही रहा था इवेंट में ना, ऐसा एक रूम था, रूम से बस बाहर निकल रहा था और वहां पे मेरा पैर ट्विस्ट हुआ और मैं गिर गया वहीं पे सबके सामने। ओ भाई, मेरे पैर में से कट 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 ऐसी आवाज आई थी, मेरे को सुनाई थी, मैंने कहा गया। वो आवाज मेरे को सुनाई थी, मैंने कहा गया। 5 मिनट में पैर पकड़ के सर नीचे करके लिटरल ऐसा ना, बस आंसू ही नहीं निकल रहे थे पर रोना तो आ ही रखा था, इतनी पेन। मैं सब पकड़ के पैर ऐसा जमीन पे मार मार के, मतलब थोड़ा तो मैं सीधा हो और फिर मैं खड़ा हो और फिर मैं पूरा इवेंट अटेंड कर लिया। सैमसंग वाले हर 10 मिनट में आके मुझसे पूछ रहे आप ठीक हो, आप ठीक हो। मैं कहा आप याद दिलाओगे तो और पेन होगी, अब भूल गया मैं। 7 घंटे तक मैं ऐसे ही था। तो मेरे को कह रहे हैं सर, एंड में जाते हुए मेरे को बोलते हैं सर वैसे दांत देनी पड़ेगी। मैंने कहा क्यों? कह रहे 7 घंटे से ऊपर हो गए आपके लगे हुए, सबके साथ आप हंस हंस के एकदम पूरा इवेंट में, आप किसी को लग नहीं रहा कि आपके लगी थी। मैंने कहा मुझे ही पता है मेरी कितनी पेन हो रही थी, बस ऐसे ही था मैं फिर भी। अब घर आया, मैंने कहा मम्मी अब चल ही लेते हैं, अब एक्सरे करा ही लेते हैं, क्योंकि अब ये तीसरी बार सेम जगह पे सेम तरीके से लगी है, अभी मेरे को लग रहा है गया। ओ क्या हंस दे चेहरे का मतलब ये नहीं होगा, ये इस बार तो सच हो गया। चलो चलो चले। एक्सरे आई थिंक हो गए, वो अभी गए हैं कुछ फॉर्मेलिटीज वगैरह पूरी करने, बट पहली बार एक्सरे हुआ है मेरा लाइफ में, नाइस एक्सपीरियंस, मजा आ गया। देखो सबसे प्यारी बात क्या है, ये लेके आया मेरे को हॉस्पिटल, आया मेरा प्यारा भाई। ये मैं तो मना ही कर रहा था, मैं मम्मी को कहता आप जाओ आप जाओ आप जाओ, मम्मी के जा ही नहीं रही थी। हाँ तो आया ना, चल तू चल, मम्मी के कहने पे ही सही पर आया। तो अरे वो इसलिए नहीं आया मैं कि तेरे को डॉक्टर के दिखा रहा है, इसलिए हूं मैं कहा चल मेरे स्टेप्स हो जाएंगे, थोड़ा खाया अंदर चला जाएगा। मतलब मैं तारीफ कर रहा हूँ तेरी, पर नहीं तेरे को वो चाहिए ही नहीं है, ठीक है भाई आपने को चाहिए ही नहीं, अपने स्टेप्स ही पूरे कर ले तू, बट आया तो सही ना, वही बहुत है। चल 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 चल, ए छोड़े चल, एक तो छोटा भी नहीं बोल सकता मैं इसको, गाड़ी बुला ली यार, 10 मिनट 5 मिनट दूर है, अब स्टेप्स पूरे करने चला जा। नहीं वैसे नहीं भाई, वैसे थोड़ी दिक्कत है चलने में इस वक्त। अरे आजा, चल ठीक है चलेंगे भाई, वॉक करके जाएंगे, फिट होएंगे भाई फिट। कि अब मैंने एक साइड सूप रख दिया बनना, एक साइड दाल रख दिया बननी, और अभी मैं आटा गूंद लेती हूँ और फिर फटाफट बनाते हैं डिनर, क्योंकि खाने का तो टाइम हो ही चुका है। और आज पहली बार है कि मैं खाना तैयार भी नहीं करके गई थी।